जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है स्वामी विवेकानंद गांजा पीते थे क्या स्वामी विवेकानंद गांजा पीते थे तो कुछ लोगों के मन में ऐसे प्रश्न और कुछ लोग जो इस तरह का प्रचार करते हैं या इस तरह की बातें लोगों को समझाने में लग जाते हैं अब प्रश्न उठता है कि उस विषय की जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि पूरी स्पष्टता से बात हमें समझ में आए ठीक है पूरी स्पष्टता से बात हमें समझ में आए पूरी स्पष्टवादिता के साथ और हमें धर्म का जो स्वरूप है वो समझ में आए चलिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत इस कार्यक्रम में कुछ कारणों से थोड़ा विलंब से ये कार्यक्रम शुरू हो पाया और लेकिन शुरू हो चुका है आप सभी कार्यक्रम से जुड़कर इसका लाभ उठाएं और अंत तक इसको पूरा सुने चलिए तो स्वामी विवेकानंद क्या गांजा पीते थे प्रश्न ये है कि स्वामी विवेकानंद क्या गांजा पीते थे तो मुझे एक बात बताइए कि स्वामी विवेकानंद ने जो कार्य किया यहां पर दो बातें हैं स्वामी विवेकानंद ने जो कार्य किया धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाना और इतना कष्ट सहना जीवन में और कष्ट सहते हुए जीवन में आगे बढ़ना दस वर्षों की तपस्या और दस वर्षों की कठोर जीवन से गुजरने के बाद व्यतीत करने के बाद स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचते हैं और उसके पीछे बहुत सारे कठिनाइयां और बहुत सारे कष्ट दर्द दुख तकलीफ इन सब को झेलते हुए जीवन है जीवन में सब कुछ आता है और वो भारतीय धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं जहां पर विदेशों में प्रचार था कि जब अंग्रेज भारत पहुंचे तो अंग्रेजों ने जाकर अंग्रेज जब भारत आए और अंग्रेज जब वापस जाते हैं वापस मतलब छोड़कर नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और जब वो बाहर गए और बाद में उन्होंने भारत इस देश को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया ब्रिटिश रूल यहाँ चलने लगा जो ब्रिटानी सरकार थी इंग्लैंड की वहाँ से एलिजाबेथ की जो गवर्नमेंट थी वहाँ से रूल होना शुरू हो गया संतावन के बाद अठारह सौ संतावन के बाद तो उसके बाद अंग्रेजों ने प्रचार किया कि भारत के लोग जो थे नंगे रहा करते थे नंग रहा करते थे इनको इनके पास कोई सिविलाइजेशन नहीं थी हम वहां पर गए और हमने सिविलाइजेशन दिया भारत के लोग जो थे अनपढ़ थे इनके पास कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी और जब हम वहां पर गए तो हमने इनको शिक्षा व्यवस्था दी ये दुनिया में इन्होंने प्रचार किया अंग्रेजों ने दुनिया में इन बातों को फैलाया कि इनके पास कोई शिक्षा नहीं थी इनके पास कोई ज्ञान नहीं था इनके पास कोई रिलीजन नहीं था ऐसी बातें ये फैलाते गए और बहुत सारे जो यूरोपीय लेखक थे उन्होंने भारत के विषय में ऐसी ऐसी बातें लिखी भी लेकिन जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे शिकागो में पहुंचे और उन्होंने जब सनातन धर्म धर्म का परिचय पूरे विश्व से करवाया स्वामी तो विवेकानंद ने सनातन धर्म का परिचय पूरे विश्व से करवाया तो वहां के लोग दंग रह गए हैरान रह गए और बहुत बड़े बड़े अमेरिका के जो बड़े बड़े विचारक थे अमेरिका के जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक थे उन लोगों ने कहा कि ऐसे देश को हमें धर्म शिक्षा देने की जरूरत नहीं है क्रिश्चियन मिशनरीज डू नॉट नीड टू विजिट इंडिया मतलब कि इंडिया में ऐसे कई मुझे अभी इस समय उनके कोर्ट्स ध्यान नहीं है उन्होंने कहा कि हमें भारत में रिलीजन लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम क्रिश्चियनिटी को भारत जैसे देश में फैलाएं जहां पर पहले से धर्म का इतना विकास हो चुका है जहां पर पहले से फिलॉसफी इतना डेवलप्ड फिलॉसफी के लोग हैं जिनकी दार्शनिक विचारधारा तार्किक विचारधारा तार्किक क्षमता और दार्शनिक क्षमता बहुत ही अधिक है विश्व के दूसरे देशों की तुलना में दूसरे देशों की तुलना में इतना दार्शनिक चर्चा नहीं मिलती है जितना कि भारत में मिलती है तो इसलिए इस जगह पे तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हम उन्हें अपना रिलीजन दें जिस भी यूरोप के बड़े बड़े वैज्ञानिक हों यूरोप के बड़े बड़े विचारक हों जिन्होंने भी सनातन धर्म पर अध्ययन किया उन सब ने ये बात कही उन सब ने यह बात कही इसलिए जो आधुनिक विचारक थे जो मॉडर्न फिलासफर्स थे और खासकर जो कंटेम्प्रेरी फिलासफर्स थे उन्होंने ईसाइत की बहुत ज्यादा निंदा की ईसाइय की क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये तो ऐसे है जैसे सूर्य को दिया दिखाना हो अगर आप भारत के लोगों को कोई नया धर्म सिखाओगे नया रिलीजन लेकर दोगे वो बिल्कुल वैसे है जैसे सूर्य को दिया दिखाने के बराबर हो ये अमेरिका के बड़े बड़े विचारकों ने कहना शुरू कर दिया स्वामी विवेकानंद को सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद को सुनने के बाद और फिर स्वामी विवेकानंद ने उनका साहित्य उनका ज्ञान और जो भी उन्होंने दिया अब प्रश्न ये उठता है अब बताइए कि जो ऐसा कार्य कर रहा है जिसके द्वारा इतना महान कार्य हो रहा है और जो इतना संतुलित उनका जो भाषण था बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही संतुलित था उसमें कहीं कहीं पर भी अहंकार की भावना नहीं थी उसमें कहीं पर भी आदेशात्मक आदेशात्मक तरीका नहीं था कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं नहीं आई एम ओनली इन्फॉर्मिंग यू मैं तुम्हें सूचना पहुंचा रहा हूं मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सनातन धर्म ऐसा है सनातन धर्म में ऐसी बातें हैं संग यथा तो जो सनातन धर्म का इतना अच्छा परिचय दे रहा है इतनी अच्छी बात बता रहा है और पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है और इंग्लैंड और यूरोप के देशों में पांच साल बिताने के बाद वो वापस भारत की ओर भारत भूमि पर कदम रखते हैं लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आती हैं कि स्वामी विवेकानंद गांजा पीते थे कभी कभी बीड़ी भी पी लेते थे और कई बार उन्होंने मांस और मछली का सेवन किया अब कुछ ऐसी बातों का भी सामना करना पड़ता है तो प्रश्न मुझे एक बात बता दीजिए सबसे पहली बात है एक बात यह बताइए कि जो व्यक्ति गांजा पी रहा है जो गंजेड़ी है गांजा पीना और गंजेड़ी होना ये दो बातें हैं लेकिन मान लीजिए जो गांजा पीता है उसी को तो गंजेड़ी कहते हैं तो जो आदमी गंजीड़ी है क्या वो इतना महान कार्य कर सकता है क्या वो मंच पे खड़ा होकर इतना संतुलित भाषण दे सकता है प्रश्न ये है कि क्या वो मंच पे खड़े होकर क्या वो इस तरह से खड़े होकर वह जो है भाषण दे सकता है एक संतुलित भाषण देना एक अच्छा भाषण देना और अच्छी बात समझाना दुनिया को वो भी सनातन धर्म के विषय में क्या वो ऐसा कार्य कर सकता है क्या उसके द्वारा ऐसा कार्य संभव है प्रश्न ये उठता है क्या वो सनातन धर्म के सही स्वरूप को सही स्वरूप को बता सकता है लेकिन स्वामी विवेकानंद ऐसा समझा रहे हैं स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे ग्रंथों का आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा लिखित तो विवेक चूड़ाम पर अपना अपने विचार दिए फिर उन्होंने पतंजलि योग सूत्र का भाष्य भी दिया राजयोग के नाम नाम से उनका भाष्य आता है और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने इतनी सारी जो बातें दी हैं एक प्रश्न उठता है क्या गांजा पीने वाला आदमी ये सब करके दिखा सकता है क्या गांजा पीने वाला आदमी और गंजेड़ी आदमी ये सब कर सकता है अगर वो गांजा पीता है अगर वो गंजेड़ी है तो उसके द्वारा क्या ऐसा महान कार्य हो सकता है अब यह भी प्रश्न बन जाता है यह भी एक प्रश्न हो जाता है तो अब हम इस पर विचार करेंगे स्वामी विवेकानंद ने गांजा पिया था कि नहीं पिया था यह बिल्कुल सत्य बात है स्वामी विवेकानंद ने गांजा पिया था और वो अपनी आत्मकथा में अपनी बायोग्राफी में जब उनकी बायोग्राफी लिखी जाती है उसमें बात लिखी भी जाती है अब वो सोच लो कि उनका चरित्र कितना था अभी कुछ दिनों पहले हमने चरित्र पे चर्चा की थी चरित्र पे चर्चा की थी वास्तव में चरित्रहीन कौन है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इंद्रियों को बाहर से रोका हुआ है मन के भीतर तो आचरण कर रहा है कुछ लोग हैं कि कमरे के बाहर बहुत बड़े साधु हैं कमरे के भीतर बहुत बड़े भोगी बन जाते हैं स्वादु बन जाते हैं साधु और स्वादु दो चीजें होती बाहर से प्रदर्शन कर रहे हैं मैं तो फलाहारी हूं लेकिन अंदर तो चिकन मटन सब चल जाता है उनका बाहर से प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम तो ऐसे हैं हम तो बड़े सात्विक हैं हम तो बड़े नियम में रहने वाले हैं लेकिन अंदर से सब चल जाता है उनका तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को चरित्रहीन कहना चाहिए लेकिन जो व्यक्ति अपने बाहर भीतर के व्यवहार में तनिक भी भेद नहीं रखता थोड़ा बहुत भेद हो जाना प्राकृतिक है वो प्रकृति के कारण ही रह जाता है लेकिन भेद नहीं रहता अगर स्वामी विवेकानंद के चरित्र में कोई कमी होती तो वो अपनी बायोग्राफी में इस बात को लिखने से रोक देते कि मेरे बारे में मत बताओ कि मैंने गांजा पिया था या मैंने मछली खाई थी वो इस बारे में रोक देते वो लोगों को कह देते कि नहीं ये सब बताने की जरूरत नहीं है लेकिन स्वामी विवेकानंद के बारे में यह बात कहीं छुपाई नहीं जाती है कि उन्होंने गांजा पिया था किन परिस्थितियों में पिया था बहुत सुंदर कथा आती है बहुत सुंदर घटना आती है कि स्वामी विवेकानंद मथुरा की यात्रा पर थे अगर उनके हम एक जीवन का मैं एक आपको बताऊं कि उनका जीवन कैसा था तो हालांकि इस घटना को मुझे सुनाना है उसके बाद मैं कुछ सुनाऊंगा उनके बारे में बहुत सारी बातें जिससे कि आपको पता चल चल जाएगा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन कैसा था और आज है राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे तो राष्ट्रीय युवा दिवस को हम स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं क्यों मनाते हैं आज हम इसका आकलन करेंगे आज हम इसका एनालिसिस करेंगे कि हम स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर क्यों मनाते हैं और उन्होंने मांस भक्षण किया उन्होंने गांजा पिया ये सब जो आक्षेप उनके ऊपर लगाए जाते हैं यहां तक कि उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग उनसे और ईर्ष्या क्यों करते थे कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे जो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा कि वो किस समाज से थे किस बिरादरी से थे छोड़ दीजिए उनको लेकिन वो करते थे और उनके ऊपर कुछ आक्षेप लगाते थे आक्षेप लगाते थे तो वो किस तरह से था कैसे था आज उन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे तो स्वामी विवेकानंद वृंदावन की यात्रा पे थे मथुरा वो गए हुए थे और उस समय एक तो उन्होंने तीन दिन दिन से से कुछ खाया नहीं था, तीन दिन से उन्हें कुछ भोजन नहीं मिला था उनके जीवन का संघर्ष आप सुनेंगे और संघर्ष होने के पीछे कारण था क्यों था संघर्ष वो भी हम समझेंगे तो तीन दिन हो गए थे कुछ भोजन उन्हें नहीं मिला था क्योंकि वो एक सन्यासी थे और किसी पारंपरिक व्यवस्था में सन्यासी नहीं थे यह भी ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद किसी पारंपरिक व्यवस्था में सन्यासी नहीं थे अर्थात वो शंकराचार्य के दशनामी संप्रदाय में नहीं थे वो मध्वाचार्य के संप्रदाय से भी सन्यासी नहीं थे वो गोरखनाथ के संप्रदाय से भी सन्यासी नहीं थे वो एक अनोखे ही सन्यासी थे जिसे रामकृष्ण परमहंस ने बनाया था ठाकुर ने बनाया था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने इस व्यक्तित्व का निर्माण किया था अपने उपदेश से तो ठाकुर के सन्यासी थे वो किसी परंपरा से चले चले आने वाली पद्धति के सन्यासी वो नहीं थे अब रही बात अब आज के समय में वो एक सन्यास परंपरा के रूप में समाज में स्वीकार की जाती है रामकृष्ण मठ जो है एक सन्यास परंपरा के रूप में स्वीकार की जाती है वो एक अलग बात है अरे कभी ना कभी अब आदि गुरु शंकराचार्य हुए आदि गुरु शंकराचार्य के जो शिष्य थे वो जो दशनामी संप्रदाय प्रारंभ हुआ उससे पहले उससे पहले उस तरह की संन्यास परंपरा का प्रचलन नहीं था शुरू कर दी भिक्खु बनने की परंपरा उससे पहले उस तरह की परंपरा का प्रचलन नहीं था तो पहली बार तो किसी ने किसी ने शुरू किया तो इसी तरह ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों ने एक संन्यास की परंपरा शुरू कर दी और उसमें ये पहले सन्यासियों में से थे स्वामी विवेकानंद क्योंकि उनके शिष्य थे और इस कारण से उन्हें हर जगह स्वीकृति नहीं मिलती थी वो कहीं गांवों में जाते थे क्योंकि वो उस अखाड़े से नहीं आते थे उस संप्रदाय से नहीं आते थे तो हर जगह उनको स्वीकृति नहीं मिलती थी कई जगह उनको मंदिरों में भी घुसने नहीं दिया जाता था कई जगह वो गाँवों में जाते तो जो संपन्न लोग हैं या जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते थे वो लोग उनको घरों में नहीं बुलाते थे जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनके बीच में वो बैठते थे और उन्हीं को वो अपने अध्यात्म की बातें ईश्वर दर्शन की बातें और उन वो सारी बातें वो उनको समझाया करते थे ईश्वर के ज्ञान के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में उनको वो समझाया करते थे और साथ में शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत गहन था अपने समय के हिसाब से बारहवीं क्लास तक की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी बाद में कहते हैं उन्होंने बीए भी, भी किया था और उन्होंने सेकंड डिवीजन से किया था लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उस जमाने में उस जमाने में बारहवीं तक पढ़ा होना भी लगभग हजार लोगों में कोई एक, 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 एक स्टूडेंट ऐसा होता था जो बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई करता था नहीं तो लोग उतना पढ़ते भी नहीं थे तो वो एक समय अलग है और स्वामी विवेकानंद को सबसे ज्यादा यही बात कष्ट पहुंचाती थी भारतीय समाज जो है शिक्षा और विज्ञान के प्रति जागरूक नहीं है तो स्वामी विवेकानंद इस प्रकार से जब वृंदावन की यात्रा पर थे तो वहां पर उन्होंने एक भंगी था और वो जो है गांजा पी रहा था गांजा पीते हुए कुछ लोग समूह के लोग थे वहां गांजा पी रहे थे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि चलो थोड़ा देर इनके साथ बैठता हूं भोजन तो मुझे मिला नहीं है इनके साथ बैठता हूं इन्हें कुछ विचार देता हूं उनको वो विचार देने लगे जैसे ही बैठे तो भंगी ने कहा उन लोग सब ने कहा कि देखो महाराज हम तो भंगी जाति से हैं क्या आप हमारे साथ बैठ पाएंगे और जन्म से देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी अच्छे कुल से थे तो जब उन्होंने उनको जैसे ही कहा कि हम भंगी हैं तो वो उठ खड़े हुए कुछ देर के लिए वो उठ खड़े हुए लेकिन जैसे ही उठे तो उनको ध्यान आया मैंने तो मैंने तो संन्यास लिया मैं तो संन्यासी हूं तो फिर सन्यासी के लिए ना कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है ना कोई जाति होती है ना कोई पाती होती है वो वहां पर बैठ गए और वहां पर बैठकर उन्होंने सबसे पहले उनका गांजा फूका उनका चिलम लिया और उनका गांजा फूका जो उनके मुंह से छुआ हुआ था उसी चिलम को उन्होंने अपने मुंह से लगाया और मुंह से लगाकर उनका गांजा फूका और इस प्रकार से जब उन्होंने गांजा फूका तो उनका ये भ्रम दूर हो गया कि ये कोई भेदभाव नहीं करते थे और उनकी सारी बात उनकी योग साधना की बातें उनका योग का ज्ञान उन लोगों ने ग्रहण किया उन लोगों ने ग्रहण किया तो स्वामी विवेकानंद ने उस समय गांजा पीने की घटना उनके जीवन में आती है लेकिन क्या इस तरह से कोई गांजा पिए तो क्या आप उसे गांजा पीने वाला कहेंगे क्या आप उसे गंजेड़ी कहेंगे प्रश्न ये उठता है लेकिन ऐसे लोग हैं समाज में जिनके पास कोई काम नहीं है वो चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारी फॉलोअर क्यों नहीं बन जाती हमारी बात क्यों नहीं मान लेती पहले पढ़ो शास्त्र अच्छे से त्रिगुणी माया से संसार बना है तो ऐसा तो कभी सोचो ही मत कि सारी दुनिया तुम्हारी बात मान ले सही हो तो भी ना माने तो समस्या ये है स्वामी विवेकानंद जी तीन दिन से भूखे कुछ खाने पीने को उनको मिला नहीं हाथरस स्टेशन पर इसी महीने में जो महीना जो ठंड का जो महीना चल रहा है इसी महीने में और हाथरस आप अगर जानते हो उस समय पर रेलवे का थोड़ा डेवलपमेंट हो चुका था तो एक हाथरस स्टेशन था वहां पर स्वामी विवेकानंद जी सोए हुए थे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेटे हुए थे प्लेटफॉर्म पर लेटे थे आधी रात का समय था आधी रात का समय था तभी वहां पर एक स्टेशन मास्टर थे हाथरस स्टेशन पर वो जो स्टेशन मास्टर थे कोई दूसरा वहां पर एक परिंदा भाई ना भटके इतना कोहरा था हाथरस आगरा के पास मथुरा के पास हाथरस स्टेशन है मथुरा के पास मथुरा अलीगढ़ के बीच में आपको हाथरस स्टेशन मिलेगा तो हाथरस जो है वहां पर वो सोए हुए थे भूखे प्यासे तीन दिन से कुछ खाए नहीं थे और उस समय स्टेशन मास्टर को स्वप्न में भगवान श्री राम आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी सब प्रकट हो जाते हैं उसके स्वप्न में और स्टेशन मास्टर से कहते हैं कि भाई तुम जाओ मेरा एक भक्त जो है वहां सोया हुआ है तुम उसे भोजन करा के आओ स्टेशन मास्टर की आंखें खुलती हैं कि स्वप्न में राम जी आए थे और वो बोले कि भाई भोजन करा के आओ मेरा भक्त स्टेशन पर सोया हुआ है बोला ये तो सपना था और सपने सपनों का क्या भरोसा कुछ भी दिख जाता है मेरी कोई श्रद्धा भक्ति हो गई भगवान दर्शन देने आ गए चलो भाई स्टेशन मास्टर ने कंबल रजाई तानी और फिर से सो गए फिर से सो गए तो भगवान राम फिर से प्रकट हुए उसके स्वप्न में श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अरे मेरा एक भक्त सोया हुआ है स्टेशन पर जाओ उसे भोजन करा के ले आओ बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान थोड़ा नाराज होकर बोले इस बार स्टेशन मास्टर की फिर से आंखें खुली स्टेशन मास्टर की फिर से आंखें खुली और जब आंखें खुली तो ने कहा कि ये क्या है फिर से राम जी आ गए लेकिन इतनी ठंड बाहर निकलना मुश्किल इतनी ठंड में कोहरा ऊपर से इतना घना और स्टेशन पर कौन सोया है कोहरे में नजर नहीं आता है चलो सपना है सपने दिखते रहते हैं लगता है मैंने ही बहुत ज्यादा भक्ति कर ली है इसीलिए बार बार भगवान मुझको दिखाई दे रहे हैं फिर से वो रजाई तानकर सो गए फिर से रजाई तानकर सो गए तो फिर से भगवान राम प्रकट हुए और इस बार धनुष बाण लेकर प्रकट हुए और इस बार धनुष कंधे पर नहीं था धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी बाण चढ़ा हुआ था और पूरा तानकर बोला कि तू जाता है कि नहीं मेरा भक्त सोया हुआ है स्टेशन पर तू जाकर उसे भोजन करा अभी भोजन बना और जा जब ऐसा सुना वहां पर डर के मारे वो उठे और स्टेशन मास्टर ने उसी समय दाल चावल इस प्रकार से भोजन बनाया और भोजन बनाकर स्टेशन पे पहुंचे देखे भाई कौन सोया हुआ है उस समय तो एक आदमी कंबल ओढ़कर कर घुड़क कर सोया हुआ है बेचारे को ठंड भी लग रही है बहुत ज्यादा उनसे पूछा कि कौन हो भाई अब उठे तो दाढ़ी वाढ़ी बड़ी थी और लगा नहीं लगा कोई ऐसे भिखारी कुछ होगा और उठे जब उठे तो लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हो गया सामने खड़ा हो गया फिर उनको कहा कि देखा कि भगवा चोला ऐसे पहना हुआ है ऊपर से नीचे तक समझ गया कोई साधु है तो उनको प्रणाम किया प्रणाम कर कर कहा कि महाराज भोजन कर लीजिए मैं आपके लिए भोजन ले आया हूं अब उनके घर अपने घर ले जाकर ऐसे कथा आती है पूरी कि भोजन वोजन उन्होंने करवाया तो इतना इतना धैर्य और इतनी बड़ी तपस्या तीन तीन दिन तक कभी भोजन नहीं मिल रहा है एक बार खेतड़ी के राजस्थान में गए स्वामी विवेकानंद डाकुओं ने उनकी किडनैपिंग कर ली डाकुओं ने उनका अपहरण कर लिया डाकू तो मारी देते उनको लेकिन राजा के जो सैनिक थे उन्होंने जो है राजा के जो सैनिक थे डाकुओं को पकड़ने वो जा रहे थे तो डाकुओं को उन्होंने पकड़ा तो ये भी पकड़े गए और इनको भी डाकू समझकर जेल में बंद कर दिया जेल में बंद कर दिया सबको राजा के सामने प्रस्तुत किया गया कि सारे डाकू हैं और इनमें से एक साधु वेश वाला ये भी डाकू है तब जो है राजा ने कहा कि अरे तुम साधु वेश धारण करके डकैती करते हो तुम लोगों ने धर्म को बदनाम कर रखा है वो जो राजा थे वो महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे आर्य समाज के अनुयायी थे हितली के महाराज उनको कहा जाता है उन्होंने कहा कि तुमने इस प्रकार से जो है धर्म को तुम बदनाम कर रहे हो तुम चोला पहन के ऐसे डकैती कर रहे हो डाका डाल रहे हो तब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें कुछ बोलना शुरू किया और जब बोलना शुरू किया जब कुछ बातें सुनाई संस्कृत के श्लोक कई उनको पता थे और कई सुनाए कई बातें जब सुनी तो खेतरी के महाराज को विश्वास हो गया कि यह डाकू नहीं है ये डाकू नहीं है अपना पूरा परिचय दिया अपने बारे में बताया तो उन्होंने ही बहुत सहायता की फिर खेतड़ी के महाराज ने तो स्वामी विवेकानंद के इस प्रकार से उनका जो जीवन था इस प्रकार से तपस्या से भरा हुआ था अपने जीवन को छोड़ दिया था पूरी तरह से प्रकृति के हाथों कर दिया था जो होगा सो होगा कुछ इस प्रकार का जीवन उन्होंने तो लोग बहुत सारी तैयारी करते हैं ना सेविंग करते हैं बैंक बैलेंस बचाते हैं संग्रह करते हैं बहुत तरह है। वैसे भी सन्यासी जिसको कोई आस ना हो वही तो सन्यास है तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन जिया इसके बाद स्वामी विवेकानंद हिचड़ी के महाराज के सहयोग से और भी लोगों के सहयोग से वो पहुंचते हैं अमेरिका समुद्र को पार करते हैं उस समय समुद्र पार करना भी धर्म को भ्रष्ट करने के बराबर समझा जाता था तो भारतीय समाज इतना विकृत हो चुका था इतनी छोटी छोटी बातों में फंसा हुआ था कि भाई समुद्र को पार कर गया तो धर्म भ्रष्ट हो गया विदेश में चला गया तो धर्म भ्रष्ट हो गया विदेशी खाना खा लिया तो धर्म भ्रष्ट हो गया और स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा गया कि जब वो अमेरिका गए तो वहां पर उन्होंने पोक खाया वहां पर उन्होंने पोक खाया स्मोकिंग भी की और वो अमेरिकन लड़कियों के साथ घूमा भी करते थे अमेरिकन लड़कियों के साथ अमेरिकन औरतों के साथ कभी इधर उधर घूमते हुए दिखाई दिया करते थे क्योंकि अमेरिका में थोड़ा खुलापन था भारत में उस प्रकार का खुलापन नहीं था तो इस प्रकार से भाषण देते हुए महिलाएं भी उनके नजदीक आती थीं और उनसे प्रश्न पूछती थीं और यहां पर तो ये था कि भाई साधु के साथ महिला कैसे दिख सकती है तो इस तरह की बातें थी तो इस तरह की बातों को स्वामी विवेकानंद के विरोधियों ने और विरोधी कौन बने कोई दूसरे लोग ना बने जो इस बात से ईर्ष्या रखते थे क्योंकि तो शिकागो के धर्म सम्मेलन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत से गए थे ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन भी गए थे जो मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे अंग्रेजी भाषा के प्रचार में वो लोग काम भी करते थे लेकिन ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन भी गए थे और भी मैं यहाँ पर ज़्यादा नाम नहीं लूंगा क्योंकि उससे अलग अलग समाजों की बात आ जाती है तो और भी समाज के कई लोग थे जो वहाँ पर पहुंचे थे उन्हें वो ख्याति ना मिली उन्हें वो प्रतिष्ठा ना मिली जो स्वामी विवेकानंद को मिली और इस बात से बहुत लोग ईर्ष्यावश जो थे स्वामी विवेकानंद को पसंद नहीं करते थे ये किसी परंपरा से भी नहीं आता है ये तो किसी परंपरा से नहीं आता इसकी कोई परंपरा नहीं है ये साधु कैसे बन गया है और फिर ये ऐसा ऐसा आचरण कर रहा है इसके बारे में छापो यहाँ भारत के अंदर उनके बारे में बहुत सारे अनर्गल प्रचार किए गए कि वो पोख खाते हैं वो अमेरिकन लड़कियों के साथ घूमते हैं वो गांजा पी लेते हैं वो सिगरेट पी लेते हैं वो स्मोक कर लेते हैं ये कैसा साधु है लेकिन जब वो भारत आए तो उनका भव्य स्वागत हुआ लेकिन भव्य स्वागत होने पर भी कई मंदिरों के दरवाजे इस कारण से उनके लिए बंद किए गए कि उन्होंने पोक खाया है, उन्होंने मांसाहार का भक्षण किया है हालांकि बचपन में अपने परिवार में बंगाली परिवार में मछली खाना बहुत ही सामान्य सी बात है और वहां का ब्राह्मण समुदाय भी मछली खाता है आसाम में भी उत्तरी बिहार के क्षेत्र में बिहार में हर जगह नहीं कुछ क्षेत्रों में मिथिला के कुछ क्षेत्रों में जो है आपको ब्राह्मण समाज भी कुछ इस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है मछली खाना बहुत सामान्य सी बात थी तो अब उन्होंने मछली खाया है उन्होंने मांस भी खाया है लेकिन अब हम जब राजयोग पढ़ेंगे और हम जब कर्मयोग जैसी उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भोजन के विषय में जो ज्ञान उन्होंने दिया है उससे तो हमें नहीं लगता कि अगर वो मछली खाने वाले थे उन्होंने खाया एक अलग बात है और एक इस बात का प्रचार करना कि वो खाते थे तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय लोग जो थे ये गुलाम कैसे बन गए आप अगर भारतीय लोगों की गुलामी बनने की दास्ता सुनेंगे तो इनके भी गुलामी बनने की वही दास्ता है जो यूरोप के अंधकार युग की है वास्तव में यूरोप का अंधकार युग गुलामी के ही दिन थे स्लेव सिस्टम को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया गुलाम बनाने को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया और गॉड के नाम पर और बाइबल के नाम पर बहुत सारे अन्याय किए गए अगर आप क्रिश्चियनिटी का इतिहास पढ़ेंगे तो क्रिश्चियनिटी के इतिहास में अब एक बात आती है वाज जीसस मैरिड और नॉट मैरिड जीसस ने शादी की थी कि नहीं की थी इस बात को लेकर यूरोप में इतने झगड़े हुए हैं इतना खून खराबा हुआ है और इतनी महिलाओं की हत्याएं कहते हैं कि 11 लाख फीमेल्स को जिंदा जलाया गया था पूरे यूरोप भर में एक ग्रुप हुआ करता था प्रायरी ऑफ जाइन उसका एक नाम है इसके ऊपर द कोड करके एक मूवी भी आई थी लगभग आज से 20 साल पहले एक फिल्म आई थी द कोड जो कि पूरे यूरोप में बैन थी और उसमें इसी बात को दिखाया गया था कि यूरोप में एक ऐसा समुदाय है जो ये मानता है जीसस वाज मैरिड जीशस जो थे विवाहित थे जीशस जो थे वो शादीशुदा थे उनका विवाह हुआ था और उनकी पत्नी उनके साथ रहती भी थी कुछ लोगों का यह भी है, है मानना है कि कोई ग, कोई वैश्या थी कोई गणिका थी जो जीसस की अनुयाई थी बाद में उसी से उन्होंने विवाह भी किया था बहुत मैं मुझे कुछ ऐसे यूरोपियन लोग मिले जिनसे मैंने चर्चा की कि ऐसा भी जीसस के बारे में कहा जाता है तो यूरोप के अंदर जो सत्ता थी चर्च की जो सत्ता थी वो इस बात को नहीं मानते थे कि जीसस वाज मैरिड उनके अनुसार जीसस मैरिड थे और उन्होंने कभी किसी स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था अनमैरिड थे वो अविवाहित रहे थे लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जो ये प्रमाणित करने पर लगा था कि नहीं वो विवाहित थे यही सत्य है और वो ऐसे फोटोज दिखाया करता था पुराने जो विंशी जो एक आ, विंशी जो था फ्लोरेंस का रहने वाला विंशी एक पेंटर था एक छोटा मोटा साइंटिस्ट भी था वो छोटा मोटा नहीं अपने समय के हिसाब से एक बड़ा ही साइंटिस्ट था तो एक वैज्ञानिक था एक इंजीनियर था और एक आर्टिस्ट था कलाकार था तो उस समय इंजीनियर यूरोप में इंजीनियर्स को भी आर्टिस्ट कहा जाता था यूरोप में इंजीनियर को भी आर्टिस्ट ही कहा जाता था कलाकार ही कहा जाता था तो वो एक आर्टिस्ट था तो विंशी जो था उसने पेंटिंग्स बनाई थी बहुत सारी जीसस के ऊपर उसमें उसकी कई पेंटिंग्स में हमेशा एक महिला को दिखाया गया है जीसस के साथ तो इस नाम पर वहां पर खूब हत्याएं हुई और कई महिलाओं को जिंदा जलाया गया विच क्राफ्ट के नाम पर जला दिया कि विच है बोल के जला दिया ईसाइयों ने और जिस जो भी उसके समर्थन में जाता जो भी उस ग्रुप के उनका कहना यह था उन महिलाओं की आवाज थी कि जो जीसस थे वो एंटी फेमिनिस्ट नहीं थे वो महिलाओं के विरुद्ध नहीं थे वो महिलाओं का सम्मान करते थे और उन्होंने कई महिलाओं की रक्षा की थी जिसकी जिनके ऊपर अत्याचार होता था जिनके ऊपर विच बोलकर या उनको उनके उनको वैश्या बोलकर लोग उनको पत्थर मारते थे उन पर अत्याचार करते थे उन महिलाओं का जीसस ने रक्षा की थी उनको प्रोटेक्ट किया तो कुछ ऐसी बातें हैं तो इसलिए वहां पर अब वैसे तो यूरोप में एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जो ये मानता है कि जीसस नामक कैरेक्टर कभी हुआ ही नहीं जीसस नामक कभी कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं तो चलिए लेकिन यह बात था और इसको लेकर बहुत झगड़ा हुआ यूरोप के अंदर कई महिलाओं की हत्याएं की गई जिंदा जला दिया गया महिलाओं को बहुत अत्याचार सहना पड़ा महिलाओं को और कितने वर्षों तक तो ये दिस इज द हिस्ट्री ऑफ यूरोप इफ एनी वन डिनाई कि नहीं यूरोप तो बड़ा डेवलप है बड़ा हाई फाई है अंदर में जाकर झाको तो पता चलेगा क्या है ठीक है तो ये सारी घटनाएं और इसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई दावि कोड जो कि पूरे यूरोप में बैन रही तो ये बातें थी तो इस कारण से दिस इज द डार्क एज़ दिस इज द सीन ऑफ डार्क एज़ ऑफ यूरोप यूरोप का डार्क एज़ था वो जिसमें ये सारी घटनाएं घटी अंधकार युग से गुलामी के दौर से एक तरह से यूरोप गुजर रहा था और जब भारत में भी एक सिस्टम शुरू हुआ जो कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में था एब्राहमिक इन्फ्लुएंस में शुरू होता है कि जीव और ब्रह्म कभी एक नहीं होते और ना हो सकते हैं खुदा कभी बंदा नहीं हो सकता बंदा कभी खुदा नहीं हो सकता अब्राहमिज्म ने इंटरफेयर कर दिया और ये बातें शंकराचार्य के जाने के बाद के विचारकों ने ज्यादा की है तो जीव और कभी ब्रह्म एक नहीं हो सकते ये बातें नाउ यू यू शुड डिपेंड ऑन आपको गॉड डिपेंडेंट होना चाहिए आपको ईश्वर पर निर्भर होना चाहिए और अपने आप को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए जो करेगा वो सो करेगा और वो जो कर रहा है सही कर रहा है छोड़ देना चाहिए आपको कर्म विधान को नहीं समझना चाहिए अरे क्या हमें कर्म करना है सब करे करावे पे आप वही करवाने वाला है तो वही कर रहा है तो अब हम क्या इसमें करेंगे इसीलिए भारतीयों के अंदर इस प्रकार के की विचारधारा जो कि एक गलत तरीके से प्रवेश कर जाती है और गुलामी का दौर इनके जीवन में भी आ जाता है सब कुछ हम कर्म नहीं करेंगे हम तलवार नहीं उठाएंगे हम अपने हक के लिए या अपने न्याय के लिए हम युद्ध नहीं करेंगे हम लड़ेंगे नहीं हम छोड़ देंगे कोई अवतारी पुरुष आएंगे और वो जो है यहां पे करेंगे वो कुछ करके जाएंगे ठीक है तो इस तरह से लोग जब सोचने लग जाते हैं कि कोई अवतारी पुरुष आएंगे और हम लोग की रक्षा कर लेंगे वो आकर और इस चक्कर में इस देश के लोग गुलाम होते गए गुलाम होते गए गुलाम होते गए तो इसीलिए जो गॉड डिपेंडेंसी है ये बड़ी खतरनाक होती है हां आप कर्मों पे निर्भर जरूर हैं लेकिन यह उपदेश कहीं नहीं दिया गया कि आप कर्म ना करें आप कर्म करने के लिए विचार ना करें आप उचित कर्म ना करें आप विद्या ग्रहण ना करें हमारे जो शास्त्र है वो पूरे तरह से कहते हैं कि जो विद्या ग्रहण नहीं करता वो पशु के समान रह जाता है जो सही से कर्म के ऊपर विचार नहीं करता प्रकृति उससे अनाप शनाप कर्म करवाती है गीता का उपदेश यही है श्रीमद भगवत गीता का उपदेश ही यही है कि तुम अगर ये कहोगे कि मैं कर्म नहीं करूंगा अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा मुझे कर्म का दोष नहीं ले कर्म का दोष तो लगेगा कर्म का दोष तो तुम्हें फिर भी लगेगा अगर तुम युद्ध ना भी करोगे तो भी लगेगा तो तुम कर्म करने के बारे में ना सोचो तुम गॉड के ऊपर सब कुछ छोड़ दो कि कोई गॉड है कोई ऊपर वाला है वही सब कुछ संभाल रहा है और तुम संकल्पवान बनकर कर्म करने के आगे बढ़ो ही ना ये वेदों की शिक्षा नहीं है वेदों में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी गई है कि आप किसी गॉड के ऊपर सारी बातों को छोड़ दें ठीक है अब इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं जो गॉड के नाम का मिस करते हैं वो चोरी करेंगे किसी घर में और बोल देंगे तुम्हारे गॉड की इच्छा थी तभी तो हुआ बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की हत्याएं हुई और क्रिश्चियंस पोप ने कहा इतनी हत्याएं हुई बट दिस वॉज द विल ऑफ गॉड गॉड की इच्छा थी तभी तो हुआ ऐसी बातें बोली गई गॉड की इच्छा थी तभी तो हुआ क्योंकि तो गॉड ही ऐसा चाहता था कि लाखों महिलाओं की हत्या हो जाए लाखों महिलाएं मारी जाए ये गॉड की इच्छा थी तो हम इस प्रकार से इस प्रकार का वक्तव्य देना जबकि हमारे भारतीय धर्म में ये तो कहना ही गलत है कि गॉड की इच्छा थी ये सब कर्म का सिद्धांत है आपका जन्म आपकी मृत्यु सब कर्म के वशीभूत है वह ईश्वर ना आपको सुख देता है ना ही आपको दुख देता है और ना ही आपको जन्म देता है और ना ही आपको मृत्यु देता है आपके जन्म और मृत्यु का कारण वो ईश्वर नहीं है ठीक है किस रूप से कारण नहीं है भावनात्मक रूप से कारण नहीं है भावनात्मक रूप से वो तनिक भी इस बात का कारण नहीं बनता है कि आपके जीवन में इसलिए भगवान कृष्ण ने पंचम अध्याय श्रीमद भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कह दिया ना तो कर्म ना कर्म फल और ना ही करता, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा नहीं होता ना वो कर्म करवाते हैं ना वो किसी को कर्ता बनाते हैं और ना ही कर्मों का फल वो प्रदान करते कर्मों का फल भी नहीं देता वो इन सबकी जिम्मेदारी इसे त्रिगुणी प्रकृति के हाथ में है इस सबकी जिम्मेदारी इसे त्रिगुणी प्रकृति के हाथ में है यह श्रीमद गीता का वाक्य है यह श्रीमद गीता का वाक्य है तो पहले तो हमें विचार करना होगा तो अब हम तो अब इतनी बात मैंने क्यों बताई क्योंकि तो महिलाओं के प्रति एक अत्याचार महिलाओं के प्रति एक गलत सोच हमारे भारत देश में जो कि पहले नहीं थी आदि गुरु शंकराचार्य के समक्ष हमें एक घटना सामने आती कि आदि गुरु शंकराचार्य का सामना आचार्य कुमारिल भट्ट भट्टाचार्य के शिष्य मंडन मिश्र और उनकी अर्धांगनी उनकी पत्नी देवी उभया से होता है और जब मंडन मिश्र पराजित होने लग जाते हैं तो उभया कहती है कि मैं इनकी अर्धांगनी हूं तो इनके स्थान पर मैं शास्त्रार्थ करूंगी मैं शास्त्रार्थ करूंगी और देवी उभया बैठते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के इस स्मरण में ऐसी कोई स्त्री उन्हें कभी नहीं मिली थी जो इतनी विदुषी हो और उसे शास्त्रों का इतना सटीक ज्ञान हो एक समय के लिए शंकराचार्य के शिष्य और शंकराचार्य के हृदय की धड़कन बढ़ गई शायद कहीं हमारा पराजय तो नहीं होगा एक तो वेद व्यास जी ने भेजा था कि जाओ शंकराचार्य से आदि गुरु शंकराचार्य से वेद व्यास जी ने कहा कि अगर तुम दिग्विजयी होना चाहते हो तो तुम जाओ आचार्य कुमारिल भट्टाचार्य को जो अग्निमय बुद्ध पुस्तक है ये भट्टाचार्य की कथा है भट्टाचार्य की ही कथा है अग्निमय बुद्ध तो शंकराचार्य को इस प्रकार से कहा गया था कि आप जाइए भट्टाचार्य को आप शास्त्रार्थ से पराजित कीजिए लेकिन उनके भाग्य में नहीं था उनको नहीं मिला वो भट्टाचार्य से शास्त्रार्थ करना यह सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ भट्टाचार्य ने कहा कि जाओ मेरे शिष्य से कर लो मेरे शिष्य से कर लो वेद व्यास जी ने यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वयं ये बात स्वीकार की कि यहां मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिल रहा है आपके दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हो गए मैं आपके चरणों में प्रणाम करकर आपके बताए हुए मार्ग, मार्ग पर मैं आगे बढ़ता हूं तो अचार्य कुमारिल भट्ट ने भट्टाचार्य ने जो मार्ग दिया उस पर आदि गुरु शंकराचार्य आगे बढ़े और मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया और वहां पर उनकी अर्धांगनी शास्त्रार्थ करती है फिर उसमें हर विषय पर शास्त्र चर्चा क्योंकि तो जब शास्त्र चर्चा कर रहे हैं शास्त्र लिखे के क्यों गए हैं जीवन को जीवन के उत्थान के लिए जीवन के विकास के लिए जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए जीवन के हर पहलू को हम अच्छे से समझ पाए शास्त्र इसमें सहायता करते हैं शास्त्र कोई मोटी मोटी कोई बातें ऊपरी बातें नहीं है भारतीयों के अंदर यह प्रचार किया गया कि तुम्हें शास्त्रों की भाषा कभी समझ में नहीं आएगी मैं आज भी देखता हूं कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य ने जो सूत्र दिए हैं बड़े कठिन हैं वो समझना बिल्कुल मुश्किल है मैं कहता हूं विवेक चुड़ामी में शंकर आदि गुरु शंकराचार्य ने जो सूत्र दिए हैं वो सरल हैं और उनको समझना बहुत ही आवश्यक है जरूरी है अगर आप बेहतर जीवन जीना चाहते हैं पतंजलि के युग सूत्रों को भी समझना जरूरी है अगर आप अपने मन बुद्धि चित्त इन सब को समझना चाहते हैं आज हम कंप्यूटर की असेंबलिंग करते हैं लेकिन हमारी असेंबलिंग कैसे हुई है विवेक चुड़ा मनी में आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरा बताया है कि यह इंसान बना कैसे है उसकी असेंबलिंग कैसे हुई है हाँ ये हाड़ मांस कैसे बनता है मां के गर्भ में बच्चा कैसे बनता है ये बात नहीं उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी की असेंबलिंग कैसे हुई है उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर अन्नमय कोश मनोमय कोश प्राण सॉरी अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश हमारे ही व्यक्तित्व के अंदर ये सब कुछ है फाइव फोल्ड ऑफ योर पर्सनालिटी हाउ दिस पर्सनालिटी इज कमिंग कैसे ये पर्सनालिटी एक्सपोज हो रहा है कैसे सामने आ रहा है हमारा व्यक्तित्व कैसे बन रहा है हम हमारी असेंबलिंग कैसे हो रही है इसका वर्णन आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत सुंदर किया है और आप चाहते हैं कि आप जानेंगे नहीं और कोई आपसे कहता है कि ये कठिन सूत्र है किसी को समझ में नहीं आएंगे क्यों क्योंकि तो वो ये चाहते हैं कि पूरा अधिकार हमारे पास हो शास्त्रों का अधिकार हमारे पास हो कोई दूसरा इसका अध्ययन ना करे कोई दूसरा इसको समझने की कोशिश ना करे हमारे देश के अंदर कुछ भ्रष्टाचारी इस प्रकार के लोग हुए जिन्होंने आम जनता से शास्त्रों के सत्य को शास्त्रों के ज्ञान को अलग रखने का प्रयास किया ताकि लोग जान ही ना पाए कि शास्त्रों में लिखा क्या है और छुआछूत जैसी भयंकर बीमारी अनटचेबिलिटी जिसका कोई लेना देना नहीं है शास्त्रों से जिसका कोई लेना देना नहीं है अनटचेबिलिटी जैसी बातों को प्रमोशन मिलना शुरू हुआ गलत तरीके के बातों को बातें शुरू हो गई और इसी तरह की बातें स्वामी विवेकानंद पर भी थोपी गई या आप तो भंगी के साथ भी गांजा पी लेते हैं आपने तो वहां महिलाओं के साथ भी आप वहां पर आपको देखा गया कि आप महिलाओं से बात कर रहे थे और आपके चेहरे पर मुस्कान थी आप हंसे जा रहे थे आपने पोर्क खा लिया आपने ये कर लिया अरे भाई सबसे बड़ी बात जरा विवेक से सोचो जो इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है इतने हाई लेवल की बातें कर रहा है और इतना ही नहीं कई चमत्कार स्वामी विवेकानंद ने अपने योग बल से किए शिकागो में भाषण देना ही नहीं तुलसीदास तो जी की एक चौपाई समझ लो समर्थ को ना दोष गोसाई पहले तो इस बात समझ में आनी चाहिए को ना दोष गोसाई सामर्थ्यवान को कोई दोष ना लगता जो सिद्ध योगी है उसे कोई चीज दूषित नहीं कर सकती उसे कोई दोष नहीं लगता शरीर अपने आप में बरतता है योगी अपने आप में रहता है कहते हैं टाटा इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिले और मिलकर उन्होंने लगाना चाहता हूं आप मुझे स्थान बताइए कि मैं स्टील की फैक्ट्री कहां पर तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरी एक शर्त है मैं उसी शर्त पर उसी कंडीशन पर आपको मैं बताऊंगा कि आपको स्टील की फैक्ट्री कहां लगानी चाहिए तो उन्होंने पूछा कि बताइए क्या शर्त है क्या कंडीशन है आपकी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपको भारत में एक वैज्ञानिक संस्थान की स्थापना करनी होगी एक वैज्ञानिक संस्थान की जहां से वैज्ञानिक जहां से साइंटिस्ट निकलेंगे जहां से साइंटिस्ट निकलेंगे तो उस समय जमशेद जी टाटा उन्होंने कहा कि आपको एक ऐसे संस्थान का निर्माण भी करना होगा तो उन्होंने कहा कि ठीक है और ध्यान से जब उठे तो उन्होंने कहा कि बिहार क्षेत्र में तब अंग्रेजों के अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी होती थी वही डिवाइड होकर बिहार बिहार और बंगाल दो नाम से बने थे भगवान बुद्ध के विहारों के नाम पर और हालांकि अवतारी पुरुषों को हम बिहारी ही कहते हैं जैसे कि कृष्ण जी को ब्रज बिहारी कहते हैं राम जी को अवध बिहारी कहते हैं तो बिहारी वर्ड वास्तव में अवतारी पुरुषों के लिए प्रयोग होता था जो बिहारी शब्द है ये अवतारी पुरुषों के लिए प्रयोग होता था बुद्ध महावीर का भी कई विहार हुए उनकी तपोभूमि हुई तो उसके नाम पर जो है ये नामकरण राज्य का कर दिया गया और तब आज अब वो कटकर झारखंड में जा चुका है जमशेदपुर शहर जिसको जहां पर स्टील फैक्ट्री बिठाई जमशेद जी टाटा ने और दक्षिण भारत बेंगलुरु में बेंगलुरु में उन्होंने आईएससी बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की स्थापना जमशेद जी टाटा ने वहां पर किया आप वहां पर जाएंगे आपको स्वामी विवेकानंद की मूर्ति वहां पर मिलेगी तो ये काम कैसे कर दिया स्वामी अगर वो गंजेड़ी थे अगर वो लड़कियों से बातें करते थे अगर वो पुक खाते थे तो क्या उसके अंदर ऐसी सिद्धि आ सकती है जरा विवेक से सोचो तो भारतीय समाज बहुत ही छोटी छोटी बातों में फंसा हुआ है बहुत ही छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ है उलझा हुआ था पहले कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ था और सबसे बड़ी बात स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की हम अगर आज हम युवा दिवस मनाते हैं उनके नाम पर क्यों मनाते हैं अपने समय में स्वामी विवेकानंद जी खुलकर बोलते थे कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता अगर ईश्वर है तो मुझे दिखाओ मुझे जनाओ मैं उसे जानना चाहता हूं मैं उसे देखना चाहता हूं अगर तुम तो उसे मुझे दिखा नहीं सकते तो मैं उसे मानता भी नहीं हूं लेकिन उस समय आज के समय में अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो इट्स ओके नॉट अ बिग थिंग लेकिन उस समय में आज से लगभग डेढ़ सौ साल पहले उस समय में भारतीय समाज में अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता हूं तो उसे गलत आदमी समझा जाता था क्योंकि एक तो ईसाइत और अब्राहमिक कल्चर में क्या था कि कि किसी ऊपर वाले को नाम मानना ही सबसे गलत बात है चाहे आपने कितने भी पाप किए आपने बहुत पाप कर दिए चुपचाप आइए कन्फेस कीजिए चर्च में आइए कान में फुसफुसा दीजिए फादर जी के कन्फेस हो गया नाउ यू आर फ्री फ्रॉम सिन और अगर सबसे बड़ी सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप लाखों पाप कर लो और पाप कर कर अपने आप को बैपटाइज कर लो नाउ यू आर फ्री फ्रॉम सिन आप पापों से मुक्त हो चुके हो और सनातन धर्म में ऐसी कोई विधान नहीं है भैया आप कुछ भी हो आपको अपने कर्मों का फल भोगना है यू हैव टू फेस योर कर्मास इवेन एनी गॉड विल नॉट सेव यू फ्रॉम द योर कर्मास कोई गॉड भी नहीं आने वाला आपको अपने कर्मों से बचाने के लिए यू हैव टू फेस योर आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही है हाँ आप प्रैश्चित कीजिए अपने कर्मों का प्राश्चित कीजिए प्रायश्चित करेंगे पुण्य की वृद्धि कीजिए तो जो पाप कर्म है वो कुंठित होने लगेंगे वो दबने लगेंगे उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर पड़ने लगेगा लेकिन वो खत्म हो जाएंगे या वो जीवन में उनका फल मिलेगा नहीं ऐसा नहीं होने वाला ऐसा नहीं होने वाला जो कर्म हुआ है उसका फल जीवन में आएगा इसीलिए भारतीय धर्म आपको शिक्षा देता है कि आप कर्मों से ऊपर उठ जाइए आप निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चलिए श्रीमद भगवत गीता हमें शिक्षा देती है इसीलिए यहां पर मोक्ष की शिक्षा है कि आप मोक्ष की ओर आगे बढ़िए सालवेशन मोक्ष कंप्लीट फ्रीडम फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ सेंसेस फ्रीडम फ्रॉम केज ऑफ सेंसेस इंद्रियों के जाल में इंद्रिय जाल ये संसार एक इंद्रिय जाल है इंद्रियों के जाल में आप बंधे हुए हैं इससे आप बाहर निकलिए गेट आउट ऑफ दैट उससे आप बाहर निकलिए तो ये ये हमारा लक्ष्य बन जाता है ये आध्यात्मिक लक्ष्य होता है लेकिन हम कहां पर फंसे हुए हैं अच्छा लहसुन प्याज खा लिया ए तो फिर ठीक नहीं है अच्छा अरे आप ज्ञान लो आपको साधु से लेना क्या है ज्ञान ज्ञान लो ना उसके साथ रिश्तेदारी तो आपको करनी नहीं थी ज्ञान लो आप अपने यहां रहो वो अपने यहां रहेंगे तो कहने का मतलब मेरा मतलब यह नहीं है कि आप किसी संत गुरु को का सम्मान ना करें घर में ना बुलाएं ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा ही रिश्ता होना चाहिए गुरु शिष्य का वो एक अलग बात है लेकिन यहां पर जो कांटा फंसा हुआ है स्वामी विवेकानंद ने वहां पर जाकर उन्होंने लड़कियों से बातचीत की तो लड़कियों से मतलब लड़कियां कहने का मतलब युवतियों से ऐसा नहीं कि हम ज्यादातर लड़की शब्द अविवाहिता के लिए प्रयोग करते हैं तो जो है वहां पर उन्होंने बातचीत की वहां की औरतों से बातचीत की तो अब यह भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है कि एक सन्यासी किसी महिलाओं से बातचीत कर रहा हो तो यह भी ठीक नहीं लग रहा है अब जो है तो फिर हम आपको इस तरह से पवित्र नहीं मानते हमें यह भी सुनने में आया कि आपने पोख खा लिया देखने गए थे खाया कि नहीं खाया प्रश्न यह है प्रश्न अब यहां पर सारी बात आ जाती है कि हम हमें लेना क्या है हमें ग्रहण क्या करना है सनातन धर्म उसी कांटे में फंसता है जिस कांटे में क्योंकि तो यहीं पे फंसाया जा सकता है यहीं पर गुलामी शुरू होती है यहीं पर आपको दासता भरा जीवन आपका शुरू हो जाएगा यहीं से जब आप धर्म के इस स्वरूप को समझने का प्रयास करोगे जब ये बात मानने की कोशिश करोगे तो इसलिए हमें सबसे पहले ठीक है एक बात हाँ अब हम अगर साहित्य पढ़ते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने तामसी भोजन का निंदा किया है तामसी भोजन को खाने से मना किया है मांस मदुरा के सेवन को तामसी बताकर उसे कहा है कि नहीं ये सबका सेवन नहीं करना चाहिए जो योग मार्ग पर चले जो अध्यात्म के मार्ग पर चले योग मार्ग पर चले उन्हें ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए उन्हें यह सब नहीं खाना चाहिए क्यों क्योंकि ये तामसी है और तामसी भोजन बाधा बनेगा तो भोजन का अपना एक विज्ञान है जिस विज्ञान को भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद भगवद गीता में समझाया है कि जैसा अन्न वैसा मन कबीर की वाणी भी कहती है जैसा पानी वैसी वाणी पानी जैसा पियोगे वाणी वैसी हो जाएगी जैसा अन्न करोगे खाओगे वैसा तुम्हारा मन हो जाएगा इसमें तनिक भी संशय नहीं है यह मनोविज्ञान है दिस दिस इज इज द साइकोलॉजी और इस मनोविज्ञान को स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट किया है अपने साहित्य में बोला है कि तामसी भोजन नहीं करना चाहिए लेकिन दुविधा यहां पर यह है कि अगर कहीं पर किसी ने पोख खा लिया कहीं पर किसी ने कुछ कर लिया तो क्या उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है अपने धर्म को इतना कमजोर मत बनाओ स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते थे जब वो बचपन में उनके घर में हुक्का रखा रहा हुक्का का प्रचलन आज भी आप जाएंगे हरियाणा राजस्थान में तो आज भी घर घर में आपको गांवों में हुक्का वगैरह मिल जाएगा बाहर के जगहों पर भी बिहार आदि के गांवों में भी आपको हुक्के का थोड़ा बहुत प्रचलन उस तरह से नहीं मिलेगा जैसे हरियाणा में दिखता है आपको मिलेगा ठीक है तो हुक्का रखा हुआ था बंगाल में भी हुक्के का प्रचलन था हुक्का रखा हुआ था लोग हुक्का पीते थे उन्होंने चार प्रकार चार हुक्के रखे थे तो स्वामी विवेकानंद अपने पिताजी से पूछा कि आपने ये चार हुक्का क्यों रखा है तो उन्होंने पूछा कि ये चार रखा है क्या होता है कि कई बार अलग अलग बिरादरी के लोग आते हैं कुछ कभी मुस्लिम भाई आ जाते हैं कभी कोई अंग्रेज आ जाते हैं और ईसाई आ जाते हैं तो कभी हिंदू तो कभी कोई पादरी आ जाया करते हैं तो इस तरह से जब आते हैं तो वो अलग अलग लोग एक ही हुक्के में मुंह लगाना पसंद नहीं करते हैं उनको लगता है कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो धर्म भ्रष्ट होने के कारण किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो इसीलिए मैंने ये चार हुक्के रखे हैं स्वामी तो विवेकानंद ने अच्छा कहा कि अच्छा एक दूसरे का हुक्का पीने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा चलो तो धर्म भ्रष्ट करके देखते हैं उन्होंने सारे हुक्कों में मुंह लगा सारे हुक्कों में मुंह लगाया जो मुसलमानों के लिए जो हुक्का रखा था उसमें मुंह लगाकर बोला क्या मैं मुसलमान बन गया क्या मैं मुसलमान बन गया ईसाई के हुक्के में मुंह लगाकर क्या मैं ईसाई बन गया पादरी के मुखे में क्या मैं पादरी बन गया या अब मैं हिंदू हो गया क्या हो गया मैं तो बचपन से एक ऐसी एक एनालिसिस करने वाली एक क्रिटिकल माइंड था उनका वो किसी चीज को ऐसे ही इमोशनली ही एक्सेप्ट नहीं कर लिया करते थे किसी भी चीज को भाव विभोर होकर ही स्वीकार नहीं कर लेते थे बल्कि उसके ऊपर अनुसंधान करते थे रिसर्च करते थे स्वामी विवेकानंद तब किसी चीज को स्वीकार करते थे इसी प्रकार से एक बार वो देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता के पास चले गए ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से थे उनसे पूछ दिया आप ब्रह्म की बात करते हैं ईश्वर की बात करते हैं क्या आपने ईश्वर को देखा है और ऐसे कॉन्फिडेंस से पूछा क्योंकि लंबी चर्चा चल रही थी ईश्वर की बहुत सारे बातें वो बता रहे थे स्वामी विवेकानंद को और उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया कहते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर के शरीर कांपने लगा और उनके आंखों में इतनी गंभीरता थी कि स्वामी विवेकानंद को जब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया आप जिस ईश्वर के बारे में इतनी लंबी लंबी बातें बोल रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं गॉड के बारे में आप क्या आपने उस गॉड को देखा है क्या आप उसको जानते हो देवेंद्र टैगोर के शरीर कांपने लगा शरीर से माथे पर पसीना आ गया कि अब इस प्रश्न का उत्तर क्या दू मैंने इतनी सारी बातें तो बोल दी इतना बड़ा प्रवचन तो कर दिया लेकिन अब यह बात कैसे समझाऊ मैं इस व्यक्ति को और यही जब वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचते हैं उनसे पूछते हैं क्या आपने ईश्वर को देखा है ठाकुर कहते हैं कि हां देखा है तुझसे भी नजदीक तू जितना मेरे नजदीक बैठा है उससे भी नजदीक यहां तक कि मेरे इस शरीर से भी नजदीक मेरा ये जो हाड़ मांस का शरीर है इससे भी नजदीक भीतर में मैंने उसको देखा है मैंने उसको जाना है तू देखना चाहता है जानना चाहता है मेरे पास आ जा तब ठाकुर के पीछे विवेकानंद पड़े लेकिन ठाकुर की कोई सामाजिक ख्याति नहीं थी बहुत बड़े समाज सुधारक थे ना उस समय रा, राजा राम मोहन राय देवेंद्र नाथ टैगोर और फिर केशव चंद्र सेन उनके सामने रामकृष्ण परमहंस की कोई पहचान नहीं थी कोई इंटेलेक्चुअल इमेज नहीं थी रामकृष्ण परमहंस की ना वो उनको अंग्रेजी भाषा आती थी तो फिर जो है वो रामकृष्ण परमहंस की शरण में चले गए और वहां से उनको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हुआ ऐसे जैसे सहज ही सारी बात समझ में आ रही हो जैसे सहज ही सब कुछ समझ में आ रहा है सहज ही सब कुछ पता चल रहा है और स्वामी और रामकृष्ण परमहंस ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि तुम्हें सन्यासी जीवन ही जीना है लेकिन उनके शिष्यों में ब्रह्मानंद जो कि पहले से विवाहित थे गृहस्थ थे लेकिन उन्होंने अंत में सन्यास को बाद में चुना और उनके गृहस्थ के कुछ दायित्व को निभाने के बाद लेकिन दूसरे शिष्य निरंजनानंद स्वामी विवेकानंद अखंडानंद अभेदानंद रामकृष्णानंद अद्भुतानंद तो इस तरह से नाम आते हैं इन सभी शिष्यों ने मिलकर ठाकुर के उपदेशों को शास्त्रों के उपदेशों को स्वामी विवेकानंद ने जब ठाकुर के उपदेश सुनने के बाद जब विवेक चूड़ामी पढ़ी जब योग सूत्र पढ़ा तो ऐसे लगने लगा कि सारी बात समझ में आ रही है एवरीथिंग इज क्लियर जब श्रीमद भगवत गीता पढ़ी तो सब बातें समझ में आने लगी तो इस प्रकार से जब सब कुछ समझ में आने लगा स्वामी विवेकानंद ने उसका प्रचार करना शुरू कर दिया आजकल मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते नहीं स्वामी विवेकानंद तो अपने आप में ही थे उनको कोई शास्त्रों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं थी वो तो अपने आप में ही सब कुछ जानते थे दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी ने कुछ ऐसी ही बात की तो योग सूत्र का भाष्य क्यों दिया स्वामी विवेकानंद ने योग सूत्र का भाष्य क्यों दे दिया ये बता दो एक बात बताऊं मैं शायद प्रकृति के कारण कुछ ऐसा दोष होता है कि लोग स्वयं ही अंधविश्वासी बनना चाहते हैं दे लाइक टू बी ब्लाइंड वो अंधे बनना चाहते हैं अंधविश्वासी ब्लाइंड बिलीवर बनना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अंधविश्वासी बनना पसंद करने लग जाते हैं लोग ऐसी स्थिति बन जाती है इसलिए जब भी मैं स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती उनका जीवन भी क्रांतिकारी था उन्होंने जो प्रश्न चिन्ह उठाए धर्म के ऊपर मूर्ति पूजा पर अपने समय के अनुकूल वो सही था क्योंकि भारतीय समाज इतना बिखरा हुआ था और इतना गॉड फियरिंग थी लोगों के अंदर गॉड फियरिंग से समाज भरा हुआ था और उनको भी उसी ढंग से हैंडल किया जा रहा था जैसे कोई पादरी हैंडल कर रहा हो आज भी कोशिश की जाती है बड़े बड़े मठों से मैंने ऐसे बड़े बड़े गुरुओं के आश्रम में देखा है जहां पर भय दिया जाता है जहां पर भय दिया जाता है, अरे तुम ऐसा करोगे गुरुजी नाराज हो जाएंगे गुरुद्रोही और तुम्हें तो फिर काल से कोई नहीं बचा सकता जैसे जैसे उनके गुरु के आश्रम में काल काम ही नहीं कर रहा काल रुक गया हो जैसे ऐसा ऐसा भ्रम फैलाया जाता है गुरुडम के माहौल में और ऐसे ऐसे भ्रमित बातें की जाती हैं कुएं का मेंढक किसी को कैसे बनाकर रखना है इस बात की पूरी कोशिश की जाती है तो भारतीय समाज में वैसा ही माहौल बन चुका था मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का सही अर्थ लोग नहीं समझते थे वो देवी देवताओं को साक्षात ब्रह्म के रूप में ही मान लेते थे उनको यह समझाने वाला नहीं था जबकि आदि गुरु शंकराचार्य ने समझाया है इसीलिए ब्रह्म और भगवान का भेद है शंकर के दर्शन में देवताओं का अपना अलग महत्व है देव पूजा का अपना अलग महत्व है ब्रह्म उपासना या ध्यान योग या ब्रह्म तक पहुंचना एक अलग विषय है हाँ दोनों आपस में संबंधित भी है एक पॉइंट पर संबंधित है क्योंकि तो हमें प्रारंभ तो देव पूजा से ही करनी है ना सगुन से ही करनी है हमेशा सगुन से ही प्रारंभ होता है और सगुन से ही होगा निर्गुण से कोई सीधा नहीं कर सकता और ना कर संभव है तो इस प्रकार से ये सारी बातें समझाई गई हैं लेकिन कोई समाज को समझाए कोई समाज को बताए इतना अंधविश्वास देकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये इस बात पर जोर दे दिया बहुत अधिक कि भाई मूर्ति पूजा बंद करो लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रह्म की व्याख्या अब्राहमिक गॉड से कर दी जाए उसकी तुलना वहां कर दी जाए कि वो लोग निराकार मानते हैं वो एक मानते हैं तो हम भी एक मानेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती ने कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो अब्राहमिकों को देख कर यहां पर भी एक एक गॉड की बात की ना उन्हें देख कर नहीं शास्त्रों के अनुकूल उन्होंने बात की हाँ अगर कहीं पर भी ब्रह्म की व्याख्या ऐसा होता है कि वो ईश्वर है और वो उसकी कृपा बरस रही है वो तो कहीं नहीं रहा कि भाई मैं कुछ कर रहा हूं मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं वो कुछ करता भी नहीं है आपके पुण्य कर्म है यज्ञ आदि की जो क्रियाएं हैं वो पुण्य है पुण्य आदि आप करिए और अपना सुंदर कर्म कीजिए आपको कर्मों का फल अच्छा ही प्राप्त होगा इसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है तो इस तरह से चली तो यह बातें थी तो गॉड फियरिंग को देना और स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कि गॉड फियरिंग में रहे ठीक है तो इस तरह का जो माहौल पैदा करने की कोशिश जो कि अब्राहमिजम में होता है वो यहां पर हुआ और काफी हद तक सफल सफलता भी इसमें मिली और उसका दुष्परिणाम भी भोगने को मिला लेकिन अब हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को थोड़ा समझना है स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं इट इज बेटर टू बी एन देन टू बींग हिपोक्रेट ढोंगी होने से बेहतर है तुम नास्तिक बन जाओ तो मत मानो किसी ईश्वर को मत मानो किसी देवी देवता को मत मानो किसी भगवान को कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि यह हमारा सनातन धर्म सिखाता है यह बाइबल नहीं सिखाती यह कुरान नहीं सिखाते कि तुम मत मानो यह सिखाता है कि डू नॉट बिलीव एनी गॉड इफ यू डू नॉट नो अगर आप जानते नहीं हो अगर आप जानते नहीं हो तो आप मानो मत मानने तक सीमित मत रहो इट इज़ बेटर टू बी एन एथेस नास्तिक बनो ज्यादा अच्छा है इससे कि तुम अंधविश्वासी बनो अंधविश्वासी बनने से अच्छा ढोंगी बनने से अच्छा तुम नास्तिक बनो स्वामी विवेकानंद के ये उपदेश थे स्वामी विवेकानंद के ये उपदेश थे तो जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें ईश्वर है तो आप उसे जानो सिर्फ मानने तक सीमित मत रखो महसूस हो रहा है कैसे महसूस हो रहा है जैसे गुलाब से सुगंध आती है अरे भाई गुलाब से सुगंध ही आएगी गुलाब सूरज की तरह चमकेगा थोड़ी ना तो ये महसूस महसूस वाले चीजों में स्वामी विवेकानंद बिलीव नहीं करते थे मुझे उसका साक्षात्कार होना चाहिए मैं जानना चाहता हूं कि ईश्वर क्या है तो इसलिए जो है स्वामी विवेकानंद का एक अनुसंधान था उनके लिए धर्म एक विज्ञान की तरह था उन्हों वो धर्म के मार्ग पर ऐसे चले जैसे कोई वैज्ञानिक रिसर्च करता है जैसे कोई साइंटिस्ट रिसर्च करना शुरू करता है वैसे उन्होंने विज्ञान के मार्ग पर वो चल पड़े ठीक है फिर ऐसे व्यक्ति को ऐसे योगी को कोई दोष नहीं लगता क्यों क्योंकि वो निष्काम हो जाता है इसलिए स्वामी भगवान कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम ने मांस खा लिया श्री रामचंद्र जी मांस खाया करते थे वाल्मीकि रामायण के कई श्लोकों में इस तरह का वर्णन प्राप्त भी होता है राम राम मांस खाते थे तो राम के, मैं हालांकि मैं इस विषय पर आगे वीडियो ले आऊंगा कल तो नहीं लाऊंगा लेकिन आगे मैं वीडियो लाऊंगा कि क्या श्री रामचंद्र जी मांस खाते थे कि नहीं खाते थे और हमें इसे कैसे समझना चाहिए लेकिन मैं आपको अपनी एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूं मैंने जो समझा है धर्म को या धर्म के विषय में भगवान राम या स्वामी विवेकानंद मांस खाते थे कि गांजा पीते थे मुझे मतलब नहीं है उन्होंने जो युग का ज्ञान दिया है वो प्रमाणिक है वो शास्त्र परंपरा से अलग नहीं है स्वामी विवेकानंद ने जो ज्ञान दिया है उन्होंने जो भाष्य दिए हैं वो शास्त्र परंपरा से तनिक भी अलग नहीं है और जो भी उसका आधार लेकर जो उन्होंने अपनी बातें बताई हैं उनके प्रवचनों में या उनके उनके साहित्यों में जो हमें मिलती है मैं ये नहीं कहता कि सारे साहित्य बिल्कुल एक्यूरेट होंगे सही होंगे जो भी बातें हमें मिलती हैं वो शास्त्र आधारित बातें हैं और उन्होंने बताई है मुझे मुझे व्यक्तिगत रूप से फर्क नहीं पड़ता कि स्वामी विवेकानंद ने मांस खाए थे कि गांजा इतना तो पक्का है कि वो गंजड़ी नहीं थे इतना तो पक्का है कि वो मांसाहारी बिल्कुल एक मांसाहारी वाली जो बात होती है उस तरह का खाते हो ठीक है जैसे मांसाहारी लोग यहां पर क्या चलता है अच्छा अब मंगल नहीं खाना है बृहस्पति को नहीं खाना है बाकी दिन हम सब खाएंगे कहेगा तीन दिन हम नहीं खाएंगे बाकी दिन शनिचरण को भी कुछ लोग नहीं खाएंगे बाकी दिन ये कौन सा सिस्टम है भाई चलो ठीक है कुछ मानते हो कुछ तो मानते हो तो पहली बात तो ये राम ने मांस खाया स्वामी विवेकानंद जी ने मांस खाया अगर आपने राम को सही से मैं कहता हूं अध्ययन ही कर लो थोड़ी साधना कर लो क्योंकि तो बिना साधना के देखिए बिना आध्यात्मिक योग साधना के एक तो शास्त्रों की वाणी समझ में आने वाली नहीं यहां तक कि भगवद गीता भी सही से समझ में ना आए अगर आप योग साधना के प्रैक्टिस में नहीं उतरते हैं थोड़ी गहराई में मैं कहूं कि बहुत ज्यादा सिद्ध योगी बनने की भी जरूरत नहीं है लेकिन आप एक प्रैक्टिस में नहीं उतरेंगे तो बहुत सारी बातों को थोड़ी सी समझने में कठिनाई आएगी तो अगर हम गीता का मत को समझे श्रीमद भगवद गीता के मत को समझे तो श्री रामचंद्र जी ने खाए भी हो तो मुझे तो मेरे लिए तो भगवान है और भगवान रहेंगे लेकिन इस तरह के जो पॉइंट्स उठाए जाते हैं ये सनातन धर्म में जो अशिक्षित हिंदू हैं और बेकार का एक सियार की तरह जय श्री राम उनका जय श्री राम कहना सियार वाला जय श्री राम है हुआ हुआ एक ने हुआ किया तो दूसरे ने भी हुआ कर दिया उसने जय श्री राम कहा तो मैंने भी जय श्री राम कह दिया हम बहुत बड़े हिंदू हो गए नहीं महारामायण को हमें जानना चाहिए योग वशिष्ठ में राम का क्या चरित्र बताया गया है वो हमें समझना चाहिए फिर हम जब जानेंगे भगवान राम को तो एक कथा आती है लाड़ी महाशय जी एक बार क्या हुआ कि श्यामाचरण लाड़ी महाशय बहुत बड़े योगी थे और योग शास्त्रों में योगा सिलेबस में उनके ऊपर भी अध्ययन के अध्याय होते हैं तो लाड़ी माशा जी श्री श्यामाचरण लाड़ी माशय की उनकी एक शिष्या थी वृद्धावस्था में थी उनको घर पे बुलाया कि आप हमारे घर पे आइए घर पे आइए मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ तो लाड़ी माशा उनके घर पे गए और जब उनके घर पर गए तो उन्होंने मछली बनाकर रखा था अब लाड़ी माशे को पता नहीं था कि मछली बनाकर रखा था वो बैठ गए वहाँ पर और बैठ गए और बैठ गए तो वो फिर उन्होंने देखा कि भाई इसने रखा है इतनी श्रद्धा से तो उन्होंने मछली वहाँ पर खाया लिया बड़े प्रेम से खाया बड़े प्रेम से भोजन किया भोजन करने के बाद दक्षिणा लेकर वो अपने घर चले गए अपने घर चले गए कुछ दिनों बाद उस महिला को लगा कि अब दोबारा बुलाऊंगी तो शायद आएंगे नहीं मैं यहां से मछली बनाकर ले जाती हूँ और उनको खिला देती हूँ तो मछली बनाकर वो ले गई और ले जाकर उनको कहा कि मैं आपके लिए मछली बनाकर लाई हूं आपने मछली बड़े चाव से खाया था आपने उस दिन बड़े ही अच्छे से स्वादिष्ट स्वाद लेकर खाया था तो लाड़ी महाशा ने कहा कि छी हटो मैं मछली वछली नहीं खाता हूं मैं ये सब चीजें खाता ही नहीं ग्रहण नहीं करता तो उसने उस बुढ़िया ने कहा कि महाराज उस दिन तो आप मेरे घर पे आए थे तो आपने बड़े मजे लेकर मछली खाई थी आपने उसने कहा कि महाराज आप उस दिन जब घर पे आए थे तो बड़े मजा लेकर बड़े आनंद के साथ स्वाद लेकर आपने मछली खाया था तो मैंने सोचा आपको बड़ा पसंद है इसलिए मैं मछली बनाकर लाई हूं आपके लिए उन्होंने कहा कि छी छी मैं नहीं सेवन करता है सब ठीक है जब कहा कि मैं सेवन नहीं करता उस दिन तो आपने क्यों खा लिया तो उन्होंने कहा कि माता तेरी श्रद्धा थी और मैंने तुझे बताया नहीं था और तूने मुझसे पूछा नहीं था कि मैं क्या खाता हूं और क्या नहीं खाता हूं माता तेरी सेवा थी तूने मुझसे पूछा नहीं था और मैंने तुझे बताया नहीं था कि मैं क्या खाता हूं ठीक है कृष्ण वो भी खा जाते विदुरानी ने छिलके दिए कृष्ण ने खा लिए लेकिन अगर विदुरानी मान लीजो कुछ देर के लिए सोचो कि अगर विदुरानी ने मछली दे दिया होता तो क्या कृष्ण रुकते? शायद कृष्ण वो भी खा ही जाते तो पहले कहने का मतलब यह है कि अगर स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के अंदर किसी ऐसी परिस्थिति में पोंख खा लिया जहां पर सामने वाले की भावना को ना तोड़ना सामने वाले की भावना को रखते क्योंकि उसको आध्यात्मिक ज्ञान भी देना है और जब तक भावनात्मक संबंध अच्छा ना बने तो ये ज्ञान ग्रहण करना आसान नहीं होता तो सामने वाले की भावना को रखने के लिए उसे सनातन धर्म के सूत्रों को समझाने के लिए अगर पोक खा भी लिया होगा तो वह पोक मांस नहीं है उसे मांसाहार नहीं समझना चाहिए हाँ मांस भक्षण करना गलत है लेकिन अगर गलती से किसी ने खाया गलती से खाए या जानते हुए भी किसी विशेष परिस्थिति में खा ले उससे धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि तुमने कहीं पर मांस खा लिया तो तुमने कहीं स्मोक कर लिया तो उससे भ्रष्ट होगा नहीं कभी भ्रष्ट नहीं होगा हाँ ये चीजें तामसी हैं इसे वर्जित किया गया है अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग पर अगर आपको ईश प्राप्ति के मार्ग पर ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष के मार्ग पर यदि आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे आहार से तामसी आहार से हमें दूर रहना चाहिए इसमें तनिक भी तनिक भी डाउट नहीं है जरा सा भी इसमें संशय नहीं है यह हमारे शास्त्र है लेकिन मांस खाने की एक पुरानी परंपरा हिंदू समाज में रही है यह भी सत्य है तो तामसी भोजन नहीं करना चाहिए इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है लेकिन यह इस पर आप घोषणा कर दो कि यह तो भ्रष्ट हो गया वो तो भ्रष्ट हो गया अरे योगी को कौन सा दोष लगने वाला है वो भला अब भ्रष्ट होने की स्थिति में नहीं है वो भ्रष्ट क्या होगा अब जिसकी भ्रष्ट होने की संभावना है वही तो भ्रष्ट हो सकता है ना तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैं इस, इस सब छोटी छोटी बातों का बढ़ावा देने से उल्टा और धर्म में विकृतियां आती हैं सही बात को ना जानने से अब यह बात इसलिए नहीं है कि वाल्मीकि रामायण में लिख दिया है कि भगवान राम ने मांस खाया तो चलो हम भी दबाकर मांस खाते हैं स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाके पोक खा लिया था तो हम भी दबाकर पोक सुअर का मांस खाते हैं हम भी अरे ये तो छूट मिल गई नहीं छूट नहीं मिली है यही मिथ्याचारी लोग हैं छूट नहीं मिली है कि आप मांस खाओगे उन्होंने अपने उपदेश में कहा है कि मांसाहार योगी के लिए गलत है तामसी है नशा करना गलत है तामसी है किसी विशेष परिस्थिति में उन्होंने एक स्पेशल सर्कम स्टेंसेस में ऐसा किया ठीक है तो आप धर्म को समझो जो एक्चुअल फैक्ट है मांसाहार के बारे में नशा के बारे में जो रियल फैक्ट हमारे शास्त्रों में बताई गई है उसको समझो उसको नहीं समझोगे तो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों में फंसे रहोगे कि ऐसे धर्म भ्रष्ट हो गया वैसे धर्म भ्रष्ट हो गया तो समुंदर पार गया, कर गया इसलिए धर्म भ्रष्ट हो गया कमाल है क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है क्या तो इन सब बातों से ऊपर उठना है इन सब बातों से ऊपर उठना है हां मांसाहार और नशे की चीजें तामसी होती हैं नुकसान करती हैं शरीर के स्वास्थ्य को भी नुकसान करती हैं मन को भी बिगाड़ती हैं योग मार्ग पर बाधक हैं ये बात बिल्कुल सत्य है और इनका सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन फिर वही बात कि खा लिया तो राम जी ने मांस खा लिया था अरे तुम राम हो क्या पहले योग साधना करके अपनी चेतना का विकास करो तो इसीलिए यह कोई इसीलिए महापुरुषों के कर्म का अनुसरण नहीं करना चाहिए उनके उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए कर्म से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि परिस्थिति अनुकूल हमें अपने हठकर्मी नहीं बनना चाहिए हट ही नहीं बनना चाहिए योग शास्त्रों में यो, हट योग प्रतिबिका में भी आग्रही बनने के लिए मना किया गया है कि जो लोग जो है व्रत आग्रही होते हैं कि मैंने यह व्रत ले लिया तो मैं ये करूंगा ही परिस्थितियों के बदलने के अनुसार योगी को यह देखना चाहिए कि इस परिस्थिति में क्या उचित है इस परिस्थिति में क्या उचित है और उसे कोई दोष नहीं लगता योगी को कोई दोष नहीं लगता तो अगर किसी विशेष परिस्थिति में उन्होंने गांजा पिया उन्होंने मांस खाया तो उनको तो कोई दोष नहीं लगने लगने वाला लेकिन अगर आप यह सोच के बैठ गए अच्छा स्वामी विवेकानंद तो मांस खा लिया करते थे चलो हम भी खाते अच्छा बाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि राम जी ने मांस खा लिया था तो चलो हम भी खा लेते तो आप गए भटक आप गए भटक।, भटक आप भटक जाओगे फिर आपको शास्त्र ने यह परमिशन नहीं दी कि आप राम ने खाया तो आप खा लो विवेकानंद ने खाया तो आप भी खा सकते हो नेवर पहले पढ़ लो आहार के बारे में हमारे शास्त्र क्या उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण आहार के विषय में क्या उपदेश दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद ने आहार के विषय में क्या उपदेश दिया है पहले वो भी तो पढ़ो कौन सा विज्ञान समझाया है दकियानुसी बातें और मीन माइंडेड लोग छोटी बुद्धि के लोग वो क्या धर्म को समझेंगे वो खुद ही नहीं पता कि धर्म क्या है ठीक है अंधविश्वास फैले में फैलाने में लगे हुए हैं ऐसे कई संप्रदाय और संस्था के लोग हैं तो ऐसे लोगों से बचना है और हमें समझना है चलिए आगे हम बढ़ेंगे और आज के कार्यक्रम को विराम देंगे लंबी चर्चा हो गई तो लेकिन जरूरी था मुझे मेरे हृदय में ये बात थी तो इसलिए मैंने इस विषय पर चर्चा की और आप लोग पूरा सुनेंगे तो समझेंगे चलिए योगेश खैरनर जी अमन कक्कर जी कमलेश खैरनर जी राजू पाल जी नवज्योतिनाथ जी संतोष कुमार जी सतीश मास्टर जी रतन सिंह जी विनोद कुमार सुद नवज्योतिनाथ गुरुजी कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद भगवद गीता किस लैंग्वेज में संस्कृत संस्कृत में सुनाई नवज्योतिनाथ जी प्रजावली तो बहुत बाद में आई है भाई प्रजावली में संकर, शंकर श्रीमंत शंकर देव ने जो अपना साहित्य लिखा आसाम के एक बहुत बड़े संत हुए श्रीमत शंकर देव तो उन्होंने जो अपना साहित्य वर्णन किया वो ब्रजावली भाषा जैसी है कन्हई कुमार जी गोविंद प्रसाद जी हैप्पी माघ बिहू जी हाँ हैप्पी माघ बिहू अभी शुरू होगा मकर संक्रांति को ही कहते हैं माघ बिहू कीरथ दास जी जय श्री राम और लोढ़ी का पर्व लोही भी है साथ में नरेंद्र माकोड़े जी लवकुश वर्मा स्वामी भगदेव योगी श्वेता राय सिन्हा जी एक त्यागी किशोर वैद्य प्रेम सागर यादव दयानंद जी योगेश पर श्री कृष्ण रामविलास जी विष्णुचंद्र मौर्य पुष्पा शर्मा जी आशा रानी जी ओम तशत आपकी तुलना अगर स्वामी जी से की जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी हमारे दृष्टि में इतनी बड़ी तुलना ना करें ठीक है हम तो उनके बस हम हम बस मैं स्वामी विवेकानंद से इतना ही बात लेता हूँ कि उन्होंने अपने समय के हिसाब से अपने युग के हिसाब से कार्य किया और आज के समय में जो धर्म प्रचारक हैं जो भी हैं जिस भी तरह से हैं वो इस समय को समझते हुए कार्य करें और धर्म के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म पर एक रिसर्च किया ये नहीं कि भाई ऐसा कहा गया तो ऐसा मान लो या वैसा मान लो नहीं उन्होंने एक अनुसंधान शुरू कर दिया जैसे एक वैज्ञानिक एक रिसर्च करता है वैसा ही रिसर्च स्वामी विवेकानंद ने किया और यह रिसर्च करने की जो भावना है ये रामकृष्ण परमहंस ने ही उनके अंदर डाली चलिए विनोद कुमार शर्मा जी प्रभुदत्त शर्मा धन्यवाद भारत योगेंद्र पंडित माधुरी कोल्हे जी वाशिंग भाई जी आ, हदमत सिंह जी बिमला शाह जी वाशिंग भाई गंभीर शाह जी अरविंद अवस्थी जी आप कुशल लोगो, लोगों का कल्याण होता महसूस करके अच्छा लगता है बहुत अभिनंदन बहुत स्वागत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका वाशिंग भाई आर बट्टा जी स्पिरिचुअल मूव अमन कक्कर जी भारत पटेल जी रघुनाथ जोग आशा रानी जी ऐसे जोगी को हमारा नमन है भारत पटेल भरत छबलानी घनश्याम सरोदे भास्कर जोशी फूलदेव मिश्रा जी अगर किसी में धर्म करने की ललक हो और घर को छोड़ नहीं सकता और अपने इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता वो आदमी क्या करे अपनी धर्म साधना तो इच्छाएं पूरा हो चाहे इच्छाएं ना हो धार्मिक साधना तो शुरू कर ही सकता है कब वृत्तियां पूरी होती हैं कब किसी का पेट भरता है कब किसी की नींद पूरी होती है आहार निद्रा भय मैथुन इनकी पूर्ति कभी नहीं होती नीलम जाधव जी विवेकानंद जी के बारे में आज विशेष रूप से जाना है बहुत अच्छी बात है शिव जी भांग गांजा पीते थे इसलिए हमें पीना है बात ये नहीं है हमें भांग गांजा पीना है इसलिए शिव जी के नाम पे पी लेंगे तो लोग बुरा नहीं कहेंगे शिव जी के नाम पर लोग बुरा हाँ ऐसा लोग सोचते हैं शिव जी ने गांजा पिया ये कहा लिखा है भाई हमें तो कहीं नहीं मिला आप फोटो बना देते हैं लोग शिव जी की फोटो बना देंगे गांजा पीते हुए लेकिन शिव महापुराण में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है शिव महापुराण में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि शिव जी गांजा पीते थे बेकार की बातें हैं तो भगवान शिव ने विष धारण किया था विष अगर ऐसा भी मानो तो विष धारण तो शिव जी कर सकते हैं ना हमारी रक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष धारण किया इसीलिए भांग धतूरा उनको चढ़ता है जितनी विशाली चीजें चढ़ाओ अपने जीवन से उससे अपनी रक्षा करो तो शिव जी ने हमारी रक्षा के लिए ये सब किया तो शिव जी इसका मतलब फिर विष पी लो ना शिव जी तो नाक को गले में लेकर घूमते थे तो तुम भी घूम लो और शिवजी ने तो हलाहल निकला समुद्र मंथन से पी लिया तो पी के दिखाओ व्यर्थ की बातें ठीक है, है? शिव जी माइनस डिग्री टेम्परेचर पर नंग धड़ंग तपस्या में बैठते तुम भी बैठो तो इसीलिए यह सब कहना और करने में और वो भी पूरे परिवार के साथ रहते थे ग्लेशियर में ग्लेशियर में पूरी फैमिली के साथ रहते थे वो तो चलिए ठीक है तो हमें यह सब पाखंडियों का हमेशा से यही कुतर्क रहा है जी हां यही कुतर्क देते हैं शिव जी ने गांजा पी लिया तो स्वामी विवेकानंद ने यह खा अरे जो गलत है वो गलत ही है किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है तो हमें समझना चाहिए हमें हाँ और विशेष परिस्थिति में आपको भी मना नहीं है इसीलिए योग का मार्ग अध्यात्म का मार्ग अध्या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मार्ग है प्रदर्शन का मार्ग नहीं है प्रदर्शन में मिथ्या आचरण होता है चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं बहुत बहुत आभार आप सभी का जो लोग ध्यान योग आदि कोर्स करना चाहते हैं पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए जो डिटेल्स दी जाती हैं उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे वो और इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन और इस नंबर पे कांटेक्ट कर कर वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा ओम तत्सत